वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस संबोधन में साफ कर दिया है कि एक तो 3 मई तक इसे बढ़ा दिया गया है, 20 अप्रैल तक, लेकिन जिला स्तर पर मॉनिटरिंग होगी। ये देखा जाएगा कि किन जगहों पर लोग पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का। हॉटस्पॉट नहीं बनने अगर दिए जाते हैं तो फिर वहां पर थोड़ी सी रियायतें दी जा सकती है। इस बीच जो प्रधानमंत्री ने कहा 7 बातों में साथ दीजिए, उसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया कि बीमार जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी आप रक्षा कीजिए। जो 5वां है वो अब हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जितना हो सके उतना गरीब परिवारों की देखरेख कीजिए, गरीब परिवारों की जो पीड़ा है उसको समझने की जरूरत है। किसी को नौकरी से ना निकाले, ये 6ठी बात कही गई है कि संवेदना रखें, नौकरी से लोगों को नहीं निकाले, परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं। कोरोना योद्धाओं का गौरव बढ़ाएं, उन्हें सम्मान दें, बुजुर्गों का ध्यान रखने की सबसे पहले उन्होंने बात कही और कहा। साथ ही में जो बीमार है, जिनकी इम्यूनिटी में पहले से कोई परेशानी है, दिक्कत है, उनका खास ख्याल रखिए परिवार में। दूसरी बात, लॉकडाउन के लक्ष्मण रेखा का पालन कीजिए, घर में बनाए हुए मास्क पहनिए। 15 अप्रैल से 3 मई तक, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं, प्रधानमंत्री ने जब 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, यानी अगले 19 दिन के लिए ये बढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने क्या कहा था, 15 से 3 मई तक 19 दिन। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। 5वीं बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। 6ठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। 7वीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं,
हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन सात बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। लॉकडाउन 2 सामने है, आपके प्रधानमंत्री का ऐलान हुआ है। ठीक 19 दिन, आने वाले 19 दिनों के लिए नए सिरे से देश को तैयारी, आपको तैयारी करनी होगी अपनी जान की हिफाजत के लिए। कैसे अलग अलग जिला स्तर पर अगले एक सप्ताह 20 अप्रैल तक बहुत कठोरता के साथ इस लॉकडाउन का पालन सबको करना होगा। जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी, जहां पर पाया जाता है कि कोई नया हॉटस्पॉट नहीं बनता है वहां सशर्त राहत दी जा सकती है, लेकिन संक्रमण पहुंचा तो सारी जो रियायतें हैं वो वापस ले ली जाएंगी। और प्रधानमंत्री का ये संबोधन मुझे लगता है तमाम लोगों ने सुना है, पूरा देश सुन रहा था कि लॉकडाउन पार्ट टू में क्या ऐलान हो सकता है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं वो तमाम डॉक्टर्स जो देश के जाने माने नाम है, लगातार आज तक पर बने हुए, अगले 19 दिन की तैयारी है। हमारे साथ जो तमाम डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं उनमें डॉक्टर राजेश एम पारिक साहब शामिल है, डॉक्टर एस के सरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र धमीजा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ बने हुए हैं और हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए डॉक्टर पारिक, प्रधानमंत्री का संबोधन कठोरता से अगले एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन, उसके बाद 3 मई तक तो ये रहेगा, लेकिन जहां पर हॉटस्पॉट नहीं बनते हैं यानी कहीं पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करने की भी कोशिश है कि अगर आप लोग पालन करते हैं, हॉटस्पॉट नहीं बनने देते हैं तो आपको कुछ छूटें मिल सकती हैं, लेकिन संक्रमण होने पर वो भी वापस लेंगी, यानी देश अगले 19 दिन की रणनीति के साथ सामने है। प्रधानमंत्री के संबोधन पर क्या कहेंगे आप? जी, मैं अंजना जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि अब तक जितने भी भाषण प्रधानमंत्री ने दिए ये सबसे अच्छा भाषण है, क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिक उन्होंने डायरेक्शन दिया है हमको क्या करना चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक अच्छा बैलेंस किया है। एक तरह से हमको सावधान रहना चाहिए, दूसरी तरह से हमको हमारी इकोनॉमी और जो हमारे देश के वासियों हैं उनको ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। हम लोग 2.5 महीने से टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, अभी टेस्टिंग बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। ये टेस्टिंग करके पता चलेगा कि किधर हॉटस्पॉट है और किधर सब कंट्रोल में है, और जिधर भी हॉटस्पॉट है उधर हमको ज्यादा सावधान होना चाहिए, और जिधर सिचुएशन कंट्रोल में है उधर हमको धीरे धीरे इन जगह को खोलना चाहिए और इसके ऊपर भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारी बातें की उन्होंने और स्पेसिफिक बातें की। मेरा सजेशन है इसमें कि दो चीज है उसमें, उनको कानून बनाना चाहिए। एक तो कानून होना चाहिए कि जो भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम उनकी सैलरी, उनकी जो उनका जो पगार है वो चालू रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये तो कहा है लेकिन इसको कानून बनाना चाहिए कि सब लोग का हमको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, डॉक्टर्स, नर्सिस, वार्ड बॉयज, इसके बारे भी मैंने 2 महीने पहले विनंती की थी कि जब लोग टेंशन में आ जाएंगे, जब बहुत सारा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा तो इनके ऊपर लोगों का गुस्सा आ जाएगा, और वो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो उसको भी कानून बनाना चाहिए कि कोई भी हेल्थ वर्कर, कोई भी पुलिस का आदमी, कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब ड्यूटी पे रहेगा तो उसके खिलाफ कुछ किया तो वो क्रिमिनल नॉन बेलेबल ऑफेंस हो जाएगा। तो ये दो कानून भी होने चाहिए। बिल्कुल, और तमाम सरकारों ने इस पर सख्ती दिखाई है डॉक्टर पारिक। एनएसए तक के कानून को लगाया गया ऐसे लोगों पर जो कि ऑफेंडर्स थे, जिन्होंने किसी भी, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो या पुलिस कर्मी पर हमला किया हो, सख्त से सख्त कानून उन पर जो अभी तक की आईपीसी की धाराओं में है वो लगाए जा रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर धमीजा के पास। सर, आपका रिएक्शन, प्रधानमंत्री ने इसे अगले 3 मई तक यानी अगले 19 दिन के लिए बढ़ाया है, साथ ही एक सप्ताह तक तो बहुत सख्त तरीके से कठोरता के साथ लागू होगा और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने हिंदुस्तान की तैयारी का भी जिक्र किया, उन्होंने बताया कि कैसे WHO के मापदंड हैं और हम अभी 10,000 मरीजों में ही लगभग 1,00,000 बेड्स के साथ तैयार है। डॉक्टर धमीजा,
अंजना जी, ये प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था बहुत ही बैलेंस था। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, जैसे कंट्रोल्ड अग्रेशन की बात की है, बड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच की बात की है। उन्होंने कहा है कि जो हमने अभी तक अचीव किया है उसको सस्टेन करने की ज़रूरत है, एक सस्टेन्ड कंटेनमेंट के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, एंड वी आर प्रोएक्टिव, हम वायरस को चेंज कर रहे हैं, ना कि वायरस हमें चेंज कर रहा है और हम रिएक्ट करें या रिस्पॉन्ड करें उसको। उन्होंने इंक्रीज कैपेसिटी की बात की, कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, उन्होंने बेड्स की बात की, उन्होंने लैब्स की बात की, उन्होंने WHO के हिसाब से अपने आंकड़े भी बताए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही बैलेंस एक संबोधन था। और उन्होंने दो बातें जो पर्टिकुलरली मेरे से संबंधित हैं, जो मेरे बहुत करीब हैं, एक तो उन्होंने एल्डरली की बात की कि बुजुर्गों का ख्याल रखें। तो मेरे विचार में ये एक बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो भारत में भी जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है, वो इंटरनेशनल जो फिगर्स हैं उन्हीं के हिसाब से है कि 60% जो डेथ्स हुई हैं वो मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज के पेशेंट्स में हुई हैं। ये ICMR के आंकड़े हैं जो मिनिस्ट्री ने बताए हैं। हालांकि मरीजों की संख्या जो है वो 60 ईयर से ऊपर वालों की कम है, क्योंकि हमारी जनसंख्या यंग जनसंख्या है। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ जो 40 और 60 के बीच में जो एज ग्रुप है उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन 60 से ऊपर मरीज कम है, लेकिन उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा है। उसके बड़े स्पेसिफिक कारण है, एक तो ये बुजुर्गों को कोमॉर्बिड कंडीशंस रहती हैं, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो अंडरलाइंग कंडीशंस है, किसी को पार्किंसन है, तो ये सब बीमारियां जो हैं दे पुट एट ए इंक्रीज रिस्क ऑफ दिस इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशंस। इसके साथ साथ ये जो बुजुर्ग हमारी जो जनसंख्या है, इनमें एक तो इम्यूनिटी की बहुत कमी रहती है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हमारे वाइट सेल्स जो प्रोटेक्टिव हैं, तो वो उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, इम्यूनिटी उतनी नहीं होती है जितनी यंग पॉपुलेशन में होती है। और इसके अलावा और भी जो इम्यून रिएक्शंस हैं, जैसे एक साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं हम, एकदम सडनली इम्यून सिस्टम को जब प्रेशर आता है तो वो घातक हो सकता है, वो ज़्यादा लंग्स पे और दूसरे सिस्टम्स में इफेक्ट करता है, तो उससे जो क्रिटिकल होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और अच्छी बात की कि डॉक्टर्स के लिए और जो हमारे योद्धा हैं जो लड़ रहे हैं, चाहे वो नर्सिस हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे वार्ड बॉयज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छी उन्होंने ये कहा कि हम उनका सम्मान करें। अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में तकरीबन 8,000 डॉक्टर्स भी इसके संक्रमण से ग्रस्त हैं, और इटली जैसे देश में जहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ 80 डॉक्टर्स भी जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ये फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करके रखना। तो अभी मेरे जो कोलीग्स हैं इटली में, जब मेरी उनसे बात होती है तो उनका एक ही सुझाव रहता है कि अपनी हेल्थ फोर्स को प्रोटेक्ट करके रखिए। वो अहम मुद्दा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी महामारी से लड़ने के लिए। ये एक हम युद्ध स्तर पे हम लड़ रहे हैं इस महामारी से, अगर हमारे फ्रंट के सैनिक, हमारे फ्रंट के योद्धा जो हैं, अगर हम उनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो वो काम हमारे लिए कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ को अपने रिस्क पे लेके हम सब लोगों की जो है देखभाल कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में, चाहे वो क्लिनिक्स में, तो उनके लिए हमारा जो सम्मान जो है बढ़ना चाहिए, और उनके लिए जो है जितना हम हो सकें उनका सम्मान करें। और ये जो उन्होंने बातें की हैं बाकी की सब, ये दीज आर द नीड ऑफ द आवर, हम एक बहुत ज़रूरी है, जो तक हमने अचीव किया है अभी पिछले लॉकडाउन 1 में, इसको आगे हम सस्टेन करें। और वो सस्टेन करके और आगे जो उन्होंने कहा है कि अगले एक हफ्ते में हम इंटेंसिव मॉनिटरिंग करेंगे, तो मुझे ये लगता है कि अब जो सिचुएशन आई है, जब हम 10,000 के करीब हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तो हमें अब रिमोट और रूरल एरियाज में जो आगे इसकी जो सर्वेलेंस है या टेस्टिंग है उस पर ध्यान देना होगा, और ताकि नए जो हॉटस्पॉट हैं वो ना बने और कंटेनमेंट हो। कंटेनमेंट और सप्रेशन जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे, क्योंकि हमने एक लेवल अचीव किया है बड़े डिसिप्लिन वे से लॉकडाउन में। प्रधानमंत्री जी की जो हमारे लिए आदेश हैं, हम सब ज्यादातर लोग पालन कर रहे हैं और उसके रिजल्ट भी हमारे सामने आए हैं। बिल्कुल। अगर अंजना जी मैं आपको थोड़े आंकड़े और दूं, हमारी जनसंख्या, मैं लौटूंगी सर आपके पास, मैं लौटूंगी जनसंख्या के आधार पर जो आंकड़े आपके पास हैं वो दर्शकों को बताएंगे। डॉक्टर सरीन, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना देते हैं। प्रधानमंत्री ने आज ये तमाम ऐलान जब किया, संबोधन वो कर रहे थे, 3 मई तक बढ़ाया है, क्या उन्होंने इसके साथ अन्य बातों का जिक्र किया है, पहले सुन लीजिए। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा।
इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, सात बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें, दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकाले। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन सात बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है। अब आइए आपको दिखाते हैं जरा, अभी तक जो लॉकडाउन रहा है, 21 दिनों का जो लॉकडाउन रहा है, इसके जरिए आप समझेंगे ये 19 दिन। और इसी पर डॉक्टर सरीन, मैं सवाल भी आपसे पूछने वाली हूं कि देखिए, इससे पहले जो लॉकडाउन पार्ट वन था वो था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, वो थे 21 दिन, और लॉकडाउन पार्ट टू में हम देख रहे हैं 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन। जब हम भी ये 21 और 19 को जोड़ते हैं तो कुल 40 दिन होते हैं। अब ये 40 दिन इस लड़ाई में निर्णायक साबित होंगे क्या? इसके पीछे कोई मेडिकल रीजन भी हम देख सकते हैं कोरोना के साइकिल को तोड़ने के लिए? क्योंकि क्वारंटाइन 14 दिनों तक किया जाता है, लेकिन कई मुल्क हैं जिन्होंने 28 दिनों का पालन कराया, क्योंकि तब तक वो व्यक्ति किसी और को संक्रमित कर सकता है। इन सब के बीच ये 40 दिन का लॉकडाउन जो हम देख रहे हैं, इसको किस तरह से समझे डॉक्टर सरी? मैं दो भागों में अपनी बात कहूंगा। पहला, जो प्रधानमंत्री ने कही और उसका थोड़ा सा विश्लेषण और उसका नेशनल इम्पैक्ट क्या है, और दूसरा जो आपका सवाल है। तो आज जैसे शुरू किया पीएम ने कि हर त्यौहार को उन्होंने जोड़ा, हर व्यक्ति में एक नया बीज उन्होंने हर समाज के लोगों के अंदर उन्होंने जोड़ने का जो कार्यक्रम किया, बहुत ज़रूरी है। और उसके श्रृंखला में अगर आप देखें, उन्होंने कहा घर का मास्क पहने। अब घर में मास्क कौन बनाएगा?
लेडीज या जेंट्स मिलके, बच्चा भी देखेगा, उन्होंने छोटे बच्चे से लेकर के बड़े, जो उन्होंने 7 बातों में बात कही, हर घर का व्यक्ति, छोटा बच्चा या बड़ा, इस कार्य में जुट जाएगा कि हम कोरोना से कैसे बचे। ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है कि आप घर पे मास्क बना रहे हैं, घर में पहन रहे हैं, आप अपने बुजुर्ग को भी पहना रहे हैं, और इस तरीके से एक यूनिट घर में तैयार हो गई। तो जो सोल्जर्स की यूनिट तैयार करी जा रही है या हो गई है, वो एक यूनिक एग्जाम्पल हो जाएगा वर्ल्ड में, जिसमें हर व्यक्ति, हर श्रेणी का, हर तबके का, हर रिलीजन का जुड़ जाएगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने मैसेज दिया, जो मुझे लगता है कि हमारी तैयारियां क्या हैं, तैयारियों में बिस्तर कितने हैं, टेस्ट कितने हो रहे हैं, लैब्स कितनी हैं हमारे, किस तरह से। तीसरा, उन्होंने कहा एक भी व्यक्ति अगर हो, हॉटस्पॉट में जनरली 6 व्यक्तियों को लेते हैं कि जहां 6 लोग हैं वो एक हॉटस्पॉट माना जाता है, एक भी व्यक्ति पॉजिटिव हो, और ये मैं हर बार 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 कह रहा हूं कि एक से कितने लोगों को, ये पॉपुलेशन डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना से पॉजिटिव नहीं होने देना है। अगर हम ये सारी बात ध्यान रखें, तो अब आपका सवाल आता है कि हमें लॉकडाउन का 40 दिन काफी है कि नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारा डेटा केयरफुली साइंटिफिकली देखें, एनालाइज करें। इंडिया में 3.7% डेथ रेट है। जी सर, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे पास राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। अधीर रंजन चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अधीर जी, प्रधानमंत्री ने 3 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाया है, 1 सप्ताह तक बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होगी, जो ये ऐलान है सरकार का, आप प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं? देखिए, ये प्रधानमंत्री आज भाषण देने की पहले ही सारे हिंदुस्तान में आम लोगों से ये संदेश था कि लॉकडाउन बढ़ेगी, क्योंकि कई सारे राज्यों ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की ऐलान कर चुके हैं। पिछले भी ऐसा हुआ था, क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहले बार लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसके पहले भी कोई कोई स्टेट में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो इसमें कोई नया बात नहीं कि लॉकडाउन बढ़ गए हैं, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए, लॉकडाउन बढ़ने का आसार हो रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी एक एडवांटेजियस सिचुएशन में हम रह रहे हैं ये लॉकडाउन के चलते, ये हम सबको सब मानते हैं, और ये मान के सबको चलना पड़ेगा। हम जो भी पार्टी करे, जहां भी पार्टी करे, जहां भी रहे, देश को बचाना हम सबके लिए फर्ज बनते हैं, और ये कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई जंग में हमें जीतना है, इसमें कोई हमें दो राय नहीं है। लेकिन हमारा जो मसला ये है कि प्रधानमंत्री जी से हमारा तो कुछ तो उम्मीद रहते हैं ना, उम्मीद ऐसा रहते थे हमारा कि गरीब लोगों को, जो पिछले वर्ग की लोग, जो वल्नरेबल सेक्शन हमारे हिंदुस्तान में है, और जो प्रवासी जो है, ये सारे लोगों के बारे में प्रधानमंत्री जी को और ज्यादा सोचना चाहिए था। क्योंकि आप जानते हैं कि काम से निकाला जा रहे हैं, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को खुद ये दरखास्त किया था कि छोटे मोटे जो उद्योगपति है, छोटे मोटे, वो उनको अगर काम चलाने का लायक पैसा ना रहे, मतलब रियल कॉस्ट उनके जेब में अगर ना रहे, तो वो लोगों को काम कैसे देंगे? तो आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए, मतलब अधीर जी, प्रधानमंत्री ने इस पर कहा है कि गरीबों और किसानों की तकलीफ जरूरी है, और इसीलिए गाइडलाइंस कल जारी किए जाएंगे कि उनको क्या उनके लिए सरकार करेगी। और दूसरी तरफ जो आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जो 7 बातों का ख्याल रखने को कहा, उसमें कहा कि संवेदना रखिए, नौकरी को किसी से मत निकालिए। नहीं, मतलब ये है कि नौकरी से निकलना नहीं निकलना चाहिए था, हम भी मांग करते हैं, लेकिन वो जो छोटे छोटे उद्योगपति की, उनकी भी मांग है कि हम मेरे पास हमारा जेब में पैसा कहाँ से आएगा। तो मेरा कहना ये है कि 1 महीना हम गुजार रहे हैं, अब कब ये फाइनेंशियल पैकेज ऐलान होगा, और कब हम बचेंगे? और सप्लाई साइड के भी, ये PDS में भी बहुत सारे गलतियां हैं, बहुत सारे खामियां हैं, सरकार को इसमें भी सुधारना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधीर रंजन चौधरी, सांसद, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। इस बीच एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त यही है कि 21 दिन के बाद अब 19 दिन का लॉकडाउन और जारी रहेगा, 3 मई तक देश में लॉकडाउन रहेगा। अगले 1 सप्ताह बहुत कठोरता से इस लॉकडाउन को चालू रखा जाएगा, और ये कोशिश होगी कि ऐसे जिलों की मॉनिटरिंग हो जहां पर इसे नियंत्रित करने में कामयाब। एक तरह से उन्होंने ये कहा कि जो हॉटस्पॉट नहीं बनने देंगे, वहां पर कुछ सशर्त रियायतें दी जा सकती हैं, लेकिन संक्रमण वहां भी पहुंचा तो वो रियायतें भी वापस ली जाएंगी। यानी आप ये समझिए कि 21 और 19 दिन कुल मिलाकर 40 दिन का लॉकआउट भारत के लिए घोषित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए पहले आपको सुना देते हैं प्रधानमंत्री ने ऐलान करते हुए संबोधन में क्या कहा।
साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है, लेकिन याद रखिए, ये अनुमति सशर्त होगी। बाहर निकलने के नियम बहुत सख्त होंगे। लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति तुरंत वापस ले ली जाएगी, और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और न ही किसी और को लापरवाही करने देना है। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, 7 बातों में आपका साथ। पहली बात, अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जिन्हें पुरानी बीमारी हो, उनकी हमें एक्स्ट्रा केयर करनी है, उन्हें कोरोना से बहुत बचाकर रखना है। दूसरी बात, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा का पूरी तरह पालन करें। घर में बने फेस कवर या मास्क का, और वो भी घर में बने हुए, उनका अनिवार्य रूप से उपयोग करें। तीसरी बात, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें, गर्म पानी है, काढ़ा है, इनका निरंतर सेवन करें। चौथी बात, कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। पांचवी बात, जितना हो सके उतने गरीब परिवार की देखरेख करें, उनके भोजन की आवश्यकता पूरी करें। छठी बात, आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखें, किसी को नौकरी से न निकालें। सातवीं बात, देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। साथियों, इन 7 बातों में आपका साथ, ये सप्तपदी विजय प्राप्त करने का मार्ग है।
कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो रोज कमाते हैं, रोज की कमाई से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, वही मेरा एक बृहद परिवार है। मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक, इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है। हम नई गाइडलाइंस बनाते समय भी उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में एक बार फिर से लॉकडाउन को 3 मई तक आगे यानी कुल 40 दिन के लिए लॉकडाउन भारत में लागू होगा इस बात का ऐलान किया है। और उन्होंने ये भी साथ में कहा है, 7 बातों का ख्याल रखिए, जिसमें एक तरह से आप कह सकते हैं इस पूरे संबोधन की आत्मा थी, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा बुजुर्गों का, बीमारों का ख्याल रखना है, जो गरीब है, जो किसान है, उनकी देखरेख इस देश को करनी है। उन्होंने इससे आगे बढ़कर यह भी कहा कि यह संवेदना दिखाने का वक्त है, लोगों को नौकरियों से नहीं निकालें, जो गरीब लोग हैं उनकी देखरेख करें, जो खाने के बिना जा रहे हैं उनकी देखरेख करें, सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा रखें, घर में बनाया हुआ मास्क पहने। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इससे पहले कि जो भी फैसला इस मामले में होगा, देश उनके साथ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत ये प्रोग्राम नहीं बताया कि गरीबों के खाने का और उनकी परेशानियों को कैसे दूर किया जा रहा है। निश्चित तौर से उनके जहन में ये बात है और मैं चाहूँगा कि गरीब लोगों के लिए खाना पहुँचाने की पूरी कार्रवाई, पूरी प्लानिंग ठीक से करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए कि मुख्यमंत्रियों को इस तरीके के आदेश दें। सर, प्रधानमंत्री ने ये भी काम किया कि लॉकडाउन हमने बहुत अच्छा निर्णय लिया और समस्या अगर हम पहले नहीं करते, इस तरह नहीं करते, तो क्या स्थिति हो सकती है? देखिए, इसमें देर तो हुई है, लॉकडाउन का फैसला करने में निश्चित तौर से देर हुई है। अगर ये पहले कर दिया जाता तो शायद और ज्यादा बेहतर हालात होते, लेकिन आज आलोचना का वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री जो कदम उठा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि तो प्रधानमंत्री जो कदम उठा रहे हैं, हम उनके साथ हैं, ये कहते हुए राशिद दलवी कांग्रेस पार्टी के नेता समर्थन लगभग इधर उधर के नानुकुर के साथ, आपने अधीर रंजन चौधरी को भी आज तक पर करते हुए देखा। हालांकि उन्होंने कहा है कि खास तौर पर जो आर्थिक मदद देने की जरूरत है ऐसे लोगों को जिनको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया है, उस पर सरकार की क्या रूपरेखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाइडलाइंस कल जारी की जाएंगी कि उसके खिलाफ क्या रणनीति रहेगी। 7 बातों का मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया है। याद रखिए, एक तो 3 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, कठोरता से इसका पालन करना है, अपने अपने इलाके में हॉटस्पॉट ना बनने दें, इस पर हर किसी की निगरानी रखी जाएगी, हर जिले में निगरानी होगी, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कुल 40 दिन का ये लॉकडाउन, और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सरीन, संक्षिप्त में, अगर चूंकि मैं अब चाहती हूं कि 40 दिन पर मैं आपसे शुरू करते हुए हर डॉक्टर के पास जाकर पूछूं कि ये 40 दिन का जो कंप्लीट लॉकडाउन है ये कितना महत्वपूर्ण होगा, याद रखना होगा वुहान में भयावह संक्रमण के बाद लगभग 2 महीने का कंप्लीट लॉकडाउन रखा गया था, लेकिन भारत अगर 40 दिन के लिए लॉकडाउन के साथ आगे बढ़ रहा है तो ये कितना कारगर हो सकता है? डॉक्टर सरीन, भारत में मोर्टेलिटी जो है 1.4 वुहान में थी, करीब यहाँ 3.7 है, और हमारा कर्व बढ़ रहा है।
और जब तक हमारा कर्व इन्फेक्शन का या मोर्टेलिटी का, डेथ का फ्लैटन नहीं होता, न्यूयॉर्क में करीब करीब 10 दिन लग गए बढ़ते बढ़ते फ्लैट हुआ, अभी तो हम बढ़ ही रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये 3 मई तो मिनिमम है मेरे विचार से। जब तक ये कर्व हमें फ्लैट नहीं होगा कि हमारे नंबर ऑफ इन्फेक्शन, नंबर ऑफ डेथ्स बराबर और डिक्लाइन की तरफ नहीं जाए, तब तक कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता कि हम इस लॉकडाउन को इवन रिलैक्स करने की सोचें। तो मुझे लगता है 3 मई मिनिमम है, जो 1 महीने का समय मुझे लगता है और चाहिए मई के एंड तक का, उसके लिए भी हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए, मैं प्रधानमंत्री की सारी बातों के अलावा 2-3 बातें और, उन्होंने कहा मॉनिटरिंग करेंगे हम हर जिले की, हर स्तर की, पर कहां करेंगे, किसको दिख रही है वो मॉनिटरिंग, उसके लिए एक नेशनल वेबसाइट हो, हर घंटे हर मिनट पे पता लगे यहाँ पे ये बढ़ गया यहाँ ये घट गया, ये नई पॉलिसी बन गई है उस एरिया के लिए। द कंट्री नीड्स ए नेशनल वेबसाइट, हमारी बड़े बड़े कंपनियां, इतने बड़े बड़े टेलीकॉम के जायंट्स हैं, दे शुड कम टुगेदर और डू समथिंग दैट एवरी स्मॉल मोबाइल फोन इज कनेक्टेड, एवरी स्मॉल एरिया इज कनेक्टेड, टू गिव अस ए विजिबिलिटी ऑफ रियलिटी, इट्स ए रियल टाइम प्रॉब्लम फॉर ए रियल टाइम सॉल्यूशन। जी डॉक्टर सरीन, इसी कड़ी में एक तरफ तो स्वास्थ्य मंत्रालय है जहां पर लगातार नंबर्स अपडेट होते हैं, अगर उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो सामने आपको जो लैंडिंग पेज है उसी पर तमाम नंबर्स आते हैं, और प्रधानमंत्री ने जिस आरोग्य सेतु ऐप का जिक्र किया है वो दरअसल ट्रैक करता है कि कौन सा पेशेंट आपके करीब पॉजिटिव है। जैसे ही कोई भी कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसका नंबर सूचित हो जाता है, वो रेड हो जाता है उसका स्टेटस, और अगर आप ग्रीन हैं लेकिन आप ऐसे किसी व्यक्ति के करीब आते हैं तो आपका स्टेटस ऑरेंज हो जाता है। तो ये ग्रेडिंग की जा रही है, डिजिटल लेवल पर भी कोशिशें हो रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जिन 7 बातों का जिक्र किया उसमें उन्होंने आरोग्य सेतु को भी डाउनलोड करने का जिक्र किया है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। अब हमारे साथ डॉक्टर संगीता रेड्डी भी, जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर है अपोलो हॉस्पिटल्स की, वो जुड़ गई है। आपसे प्रतिक्रिया लेते हुए डॉक्टर संगीता रेड्डी, प्रधानमंत्री ने अगले 19 दिन भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है 3 मई तक। यह भी जानकारी आ रही है कि 1, 2 और 3 मई चूंकि छुट्टी के 3 दिन थे इसीलिए इसे 3 मई तक ले जाने का फैसला लिया गया है, लेकिन अगर हम 21 और 19 को जोड़े तो कुल 40 दिन मिलते हैं भारत को इस लॉकडाउन के जरिए संक्रमण को नियंत्रित करने में। आप इसको कितना महत्वपूर्ण देखती हैं और प्रधानमंत्री के संबोधन पर क्या कहेंगे? सो ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण है और हम फिक्की के तरफ से और अपोलो हॉस्पिटल्स की तरफ से इसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हमको जानना चाहिए कि कितनी ये 20 दिन में ज्यादा से ज्यादा हमको बेनिफिट मिला है। इंडिया का नंबर्स वर्ल्ड में सबसे कम है और ये लॉकडाउन के वजह से ये इतना अच्छा रिजल्ट आ रही है इंडिया में। ये सेकेंड लॉकडाउन, ये वायरस का एक साइकिल टाइम बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, इनका इंक्यूबेशन पीरियड 15-20 डेज है, तो 40 डेज करने से ऐसा 2 साइकिल हम सेफ रह सकते हैं और ये सेफ टाइम में वी कैन प्रिपेयर। प्रधानमंत्री जी ने और एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात किए हैं कि नेक्स्ट 5 डेज में, डॉक्टर रेड्डी एक सेकंड में आपको टोक रही हूं, इस बीच अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं, फुल स्क्रीन ये तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपने इस भाषण के संबोधन के फौरन बाद अपनी तस्वीर बदली है और उन्होंने अपनी ये तस्वीर लगाई है जिसमें उन्होंने गमछे से मास्क अपने चेहरे को लिया है और साथ ही वो हाथ जोड़े हुए हैं देश के सामने। तो प्रधानमंत्री की एक कोशिश है कि इसके जरिए वो सोशल मीडिया के जरिए जो लोगों के साथ उनका संपर्क है उसके जरिए एक संकेत और साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि लोग समझें घर में बने हुए गमछे का या मास्क की महत्व को, और साथ ही उनका राष्ट्र के सामने ये नमन कि आप इस पूरी कोशिश को आगे ले जाएं मिलकर। जी डॉक्टर रेड्डी अपनी बात पूरी करें। जी तो हम तो लॉकडाउन को बढ़ाने के पीछे जो डेटा, जो साइंस, जो नॉलेज है हम उसको जानते हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं फिक्की के द्वारा से कि हेल्थ सिक्योरिटी में सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा में पूरा टीक किया है हमारे देश में, फूड सुरक्षा के लिए वो भी अच्छे कर रहे हैं कि रोड्स एसेंशियल सर्विसेज पूरा खोल रहे हैं, एग्रीकल्चर को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम केयरफुली कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन की बात भी बहुत जरूरी है और पब्लिक कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है और वो भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। मेरा लास्ट विनती है
कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये आर्थिक सुरक्षा, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो नेक्स्ट 2-3 डेज में उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी और फिनांस मिनिस्टर कुछ अनाउंसमेंट करें तो देश के लिए ये भी अच्छा होगा, क्योंकि एमएसएमई लोग जो ऑलमोस्ट 100 crores ऑफ पीपल वो उसमें है, और उनके लिए मंथली वेजेस देने के लिए पैसा नहीं है, एक महीना से उनका वर्किंग कैपिटल भी बहुत बहुत बुरी हालत में है। तो ज्यादा से ज्यादा अब ये आर्थिक सुरक्षा के ऊपर भी अब होगा शायद, बट हम बहुत बहुत सिंसियरिटी के साथ हम प्रधानमंत्री जी का पूरा प्लान को अप्लॉड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जरूर हमारा देश जीतेगा ये कोरोना के वायरस के युद्ध में, हम जरूर जीतेंगे, हम मिलके जीतेंगे, और हमको ये पूरा डिसिप्लिन के साथ सामने चलना पड़ेगा, और फिर हेल्थ केयर वर्कर्स को आधार देना पड़ेगा, और पुलिसमैन जो सब लोग ये काम कर रहे हैं उनका बहुत बहुत हमारा शुक्रिया। बिल्कुल, और डॉक्टर रेड्डी, आज प्रधानमंत्री ने भी अपनी जो 7 बातों का ख्याल रखने के लिए 7 मांगा देश का, तो उन्होंने ये कहा कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, इनका सम्मान पूरे देश को करना होगा, और इस वक्त डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी भगवान के रूप में अलग अलग जगहों पर अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं। एक बार फिर से जरा आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, तस्वीर भी है और तस्वीर एक संदेश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना ट्विटर का डिस्प्ले पिक्चर आज बदला तो उन्होंने ये तस्वीर लगाई है। ये तस्वीर ही नहीं, एक संदेश है, संदेश है एक प्रधानमंत्री का, देश के मुखिया का, जो हाथ जोड़कर देश के सामने लॉकडाउन को बढ़ाने का कठोर फैसला लेते हैं, और इसी के साथ ये भी बताते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के संबोधन पर, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और आप लगातार आज तक पर ये बोलते रहे हैं कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, 40 दिन, क्या अगर हम मेडिकल एंगल से इसे देखें तो ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं 40 दिन? बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं अंजना जी। आपको बताऊंगा, वुहान का अगर एग्जांपल दें तो 60 दिन का लॉकडाउन था और हम अभी तक बचे ही लॉकडाउन की वजह से। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, जो कि हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहे थे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सबसे अच्छी चीज ये है कि प्रधानमंत्री जी ने छोटे से भाषण में सब कुछ बता दिया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि उन्होंने पब्लिक को 4 चीजें बताई हैं। एक तो होममेड मास्क पहने, बुजुर्गों का ध्यान रखें, ऐप जो उन्होंने बहुत अच्छी बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कि हम इमीडिएटली देखेंगे हमारा हॉट एरिया कौन सा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने बताई है, जितने सिक लोग हैं उनका ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। ये बड़ी एक अच्छी चीज बताई है और बहुत ही पोलाइट बताई है, जिसमें ये कहा है कि आप लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और नहीं करेंगे तो आपका एरिया हॉट अगर जोन में आ जाएगा, एक भी केस में 0 टॉलरेंस होगी। बहुत ही स्ट्रेटेजिक उन्होंने एक डिसीजन लिया। और 40 दिन का भी मैं आपको बता दूं, इसके इंक्यूबेशन पीरियड ही अगर मेडिकली स्पीकिंग तो 14 दिन का मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड है, सिम्टोमेटोलॉजी 14 दिन चलती है, तो 40 दिन तो मिनिमम एक पीरियड होना ही चाहिए। सबसे अच्छी चीज उन्होंने ये भी बताई है कि लोगों ने अपने फेस्टिवल्स को भी जो है की भी आहुति दी है, ये एक बड़ी अच्छी चीज है। और 0 टॉलरेंस जो उन्होंने बताई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट में उन्होंने जो इकोनॉमी के लिए भी बताया वो भी बहुत अच्छा, जबकि मैं बता दूं जान है तो इकोनॉमी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग इकोनॉमी कर रहे हैं, अगर इस बीमारी से हम पीछा छुड़ा देते हैं और महीने का लॉकडाउन भी बढ़ा के और 1.5 महीने का लॉकडाउन भी बढ़ा के, तो इकोनॉमी के ऊपर इतना असर नहीं होने वाला बनिस्पत के अगर ये बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो लेते। और सबसे अच्छी चीज है डॉक्टर्स, नर्सेस, मीडिया कर्मी और पुलिस वालों जो एसेंशियल प्रोफेशंस में है, उन्होंने कहा इनकी रिस्पेक्ट करो। उन्होंने ये जो भाषण दिया है ये अपने तजुर्बे के साथ दिया है कि पिछले जो लॉकडाउन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन सबको उन्होंने एड्रेस किया है। और हम सब डॉक्टर्स, नर्सेस बिल्कुल वॉरियर्स की तरह और एंथुजियास्टिक हो गए हैं जब उन्होंने ये कहा है कि इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और इनको जो है। और प्रधानमंत्री के संबोधन से एक नए सिरे से ऊर्जा जरूर उन तमाम कोरोना वॉरियर्स में जो अपनी जान की जोखिम में डालकर भी इस वक्त दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। इससे बड़ा कोई भी काम देश में क्या हो सकता है। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, ट्रेनें भी 3 मई तक नहीं चलेंगी देश में, यानी लॉकडाउन को जैसे बढ़ाया गया था, जैसे पहले था वैसे ही इसे बढ़ाया जा रहा है। 3 मई तक
ट्रेनें भी नहीं चलेंगी, लॉकडाउन तमाम देश में जारी रहेगा। लगातार कवरेज जारी है डॉक्टर पारिक, ब्रेक के बाद 40 दिन के साइकिल में क्या ये 40 दिन का लॉकडाउन कारगर हो सकता है, साइकिल ब्रेक या फिर सर्किट ब्रेक जिसे कहते हैं कोरोना के, उसमें पूछूंगे आपसे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।